students, welcome in the session of Cell, the Unit of Life, Part 4. Dear students, last three videos में हमने cell का पूरा introduction and overview of cell, prokaryotic cell का पूरा introduction, structure of prokaryotic cell and modifications of cell envelope, ये पूरा part हमने cover किया है. आज बहुत important part, जो basic theme बोलेंगे हम ये chapter का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, that is regarding eukaryotic cell. तो आज के इस वीडियो में हम ये contents cover कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्टरी पार्ट और उसके साथ साथ यूकैरियोटिक सेल का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सेल वॉल. सेल वॉल के बारे में पूरी जानकारी आप जानोगे अभी इस वीडियो में अबाउट दिस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वॉल्यूम और पार्ट 4. राइट, सो अबाउट सेल वॉल. सेल वॉल इज नॉन लिविंग सपोर्टिंग रिजिड स्ट्रक्चर found in all cells except animal cell and one of the cell, prokaryotic cell में भी एक cell है जिसकी cell wall नहीं है, mycoplasma. Rest all cells usually contain this non-rigid supportive structure called as cell wall. तो ये cell wall prokaryotic cell और eukaryotic cell दोनों में होती है, clear? लेकिन कुछ यूकैरियोटिक सेल ऐसे हैं जैसे एनिमल सेल जिसके अंदर सेल वॉल नहीं. तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, व्हाट इज सेल वॉल एंड इन विच टाइप्स ऑफ सेल सेल वॉल इज फाउंड. सेल वॉल इज नॉन लिविंग रिजिड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक प्लांट सेल, एल्गी, फंगी, प्रोटिस्टा ऑल, बट नॉट इन animal cell. So be clear, cell wall is found only in plant cell but not in animal cell. And this hypothesis was given by Theodor Schwann. कल हमने देखा last video में Theodor Schwann ने यह hypothesis दिया कि presence of cell wall is the characteristic feature, unique characteristic feature shown by plant cells only. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पूरा ऐसा रिजिड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड सेल वॉल. सेल वॉल वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. हमने जब देखा डिस्कवरी ऑफ सेल तो मैंने बता बच्चों आपको द स्ट्रक्चर विच वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. एट दैट टाइम ही नेम्ड इट एज सेलुला मीनिंग स्मॉल कंपार्टमेंट, बट लेटर ऑन इट वॉज नोन or it was discovered that the structure which was found or discovered by Robert Hooke was not cell, it was cell wall. Cell wall, even though we consider it as a non-living, ये बहुत सारे अलग-अलग functions perform करती है. पहले तो cell wall के materials, अलग-अलग cell में अलग-अलग होते हैं. Cell wall आप इसको compare कर सकते हैं जैसे हमारे घर की compound wall होती है. Compound wall और घर का door, इसमें फर्क है, बहुत change है. कंपाउंड वॉल के अंदर मतलब वो गेट से कोई भी अंदर आ सकता है बाहर जा सकता है, लेकिन घर के अंदर आना है तो मेन डोर बेल बजाना पड़ती है. सो इट नीड परमिशन ऑफ समवन. लेकिन कंपाउंड वॉल सेल वॉल का जैसे कंपाउंड वॉल होती है उसका पर्पस अलग होता है, एडिशनल प्रोटेक्शन, वैसे यहां पे ये सेल वॉल जो है ये पूरा प्रोटेक्शन करती है सेल को. सो हियर अबाउट सेल वॉल, उसके मटेरियल्स. अगर हम जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में तो इन प्रोकैरियोटिक सेल सेल वॉल इज नॉन सेलुलोजिक. बच्चों अभी ये जो भी एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूं दिस इज नॉट गिवन इन एनसेड, लेकिन आपको ध्यान में रखना है वहां पे जो सेल वॉल का मटेरियल है वो नॉन सेलुलोजिक है. दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ म्यूरिन और म्यूरामिक एसिड. दो एग्जांपल्स कम से कम आप ध्यान में रखोगे इन eukaryotic, sorry, in prokaryotic cell, that is eubacteria. The cell wall in eubacteria is made up of peptidoglycan. In archaebacteria, it is made up of pseudopeptidoglycan. So, ye peptidoglycan, pseudopeptidoglycan, ye non-cellulosic materials hai. Cellulose is like a cementing material, fibers provide karte hai. Baki jitne other cells hai, complex cells hai, eukaryotic cells hai, jaise ke this plant cell, cell wall in algae, cell wall in fungi, these are made up of cellulosic materials. So this is about their materials and composition of cell wall. Right now, cell wall.
इन यूकैरियोटिक सेल सेल वॉल इज फाउंड इन एल्गी फंगी प्रोटिस्टा एंड प्लांट सेल्स बट नॉट इन एनिमल सेल. हर एक सेल में कंपोजिशन अलग अलग है. सो ये अबाउट इन एल्गी. एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो कौन से मटेरियल से बनती है आपको ध्यान रखना है. इन एल्गी और बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है. इन एल्गी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज गैलेक्टन्स मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. अब ये पूरे कंपोनेंट्स है, केमिकल कंपोजिशन है. बच्चों बहुत सिंपल थिंग है, जैसे सीमेंट होते हैं, सीमेंट के अलग अलग ब्रांड्स, बिरला गोल्ड राइट, या तो फिर और कोई भी एक सीमेंट, वैसे ये सीमेंटिंग मटेरियल्स है अलग अलग जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, सेलुलोज गैलेक्टन्स मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल इन एल्गी. इन फंगी द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटीन, इसको आप चिटीन भी बोल सकते हैं, चिटीन और काइटीन, क्लियर. देन इन प्लांट सेल द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज हेमी सेलुलोज पेक्टिन लिग्निन सबरीन एंड सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. सो दिस इज अबाउट केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन डिफरेंट सेल्स. इन जनरली यूकैरियोटिक सेल की जो प्लांट सेल होती है उसकी सेल वॉल आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आप ध्यान में रखो. जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा, वैसे यूकैरियोटिक सेल के अलग अलग एग्जांपल्स है. यूकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंटेड बाय प्रोटिस्टा फंगी प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. इन दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑल डिफरेंट वैरायटीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल हैविंग सिमिलर एंड डिफरेंट फीचर्स. But basically, eukaryotic plant cell and animal cell show some different features. ये different feature का एक part है cell wall, which is found in plant cell but not in animal cell. बाकी rest of the components like cell membrane or plasma membrane, nucleus and various cytoplasmic organelles are almost similar in plant and animal cells, except some organelles. वो हम प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स में पढ़ेंगे. आज हम मेनली यहां पे डील कर रहे हैं सेल वॉल. सेल वॉल ये जो प्लांट सेल में सेल वॉल बनती है तीन लेयर से बनती है, ध्यान में रखो. थ्री लेयर्स ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल. इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल द आउटर मोस्ट लेयर इज मिडल लैमेला विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट. कुछ बुक्स में दिया है कैल्शियम पेक्टेट, कहीं पे आप पढ़ोगे पेक्टिन एंड कैल्शियम, कहीं पे आप पढ़ोगे पेक्टिन एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट वन एंड द सेम. कैल्शियम मैग्नीशियम मेन कंटेंट्स है. एनसीईआरटी के थ्रू जाओगे आपको इतना ध्यान में रखना है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, दैट इज कैल्शियम एंड पेक्टिन. ओके, बट Why it is called middle lamella? ये तो है सबके बाहर, लेकिन फिर भी middle lamella क्यों बोलते हैं इसको? This layer is present in between two cells. ये जो middle lamella है ना, दो layers के बीच में है. Consider करो, देखिए इधर ये एक cell, इसका ये middle lamella, right? ये second cell, ये third cell. अभी आप यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं, ये जो है मिडल लैमेला, एक दो तीन, तीन सेल के बीच वाली जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड मिडल लैमेला. सो इवन दो इट इज आउटर मोस्ट लेयर, इट इज कॉल्ड मिडल लैमेला, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड पेक्टेट, राइट. देन अबाउट प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमेला के अंदर होती है प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल ग्रोथ. जैसे जैसे सेल ग्रो 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 होती है, दिस प्राइमरी सेल वॉल ऑल्सो ग्रोज ग्रोज ग्रोज. सो इन अ यंग सेल प्राइमरी सेल वॉल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल ग्रोथ, बट एज द सेल ग्रोज कंप्लीटली, सेल मैच्योर्स कंप्लीटली, द प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिशेस एंड द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म. जैसे प्राइमरी सेल वॉल कंप्लीट बन गई, उसके बाद में सेल की ग्रोथ कंप्लीट हो गई, तो अंदर का साइटोप्लाज्म में जो फाइब्रस मटेरियल होता है वो उस पर डिपॉजिट 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 होता है लाइक अ प्लास्टरिंग ऑफ वॉल, और उसके अंदर बन जाती है सेकेंडरी सेल वॉल, वो जो कंप्लीटली रिजिड होती है. सो ये सेकेंडरी सेल वॉल के और वापस बहुत सारे लेयर्स होते हैं. अभी यहां तक के आपको ठीक है. सो हियर इन प्लांट सेल द सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय थ्री लेयर्स, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, राइट. नाउ दिस
फंक्शंस, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। सेल वॉल नॉट ओनली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन बट ऑल्सो प्रोवाइड डेफिनाइट शेप टू द सेल। सो इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द इनर सेल ऑर्गेनिल्स फ्रॉम कोलैप्सिंग और बर्स्टिंग। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल एंड ऑल्सो सेल टू सेल इंटर कम्युनिकेशन और यू में से इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन भी होता है ये सेल वॉल की वजह से। सेल वॉल के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये दिख रहा है रेड कलर का स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड प्लास्मोडेस्माटा। सो हियर मिडल लैमेला एंड प्राइमरी सेल वॉल आर ट्रैवर्स्ड बाय प्लास्मोडेस्माटा, दीज आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। तो ये सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म, उसके बीच वाले कनेक्टिंग ब्रिज है दिस प्लास्मोडेस्माटा। तो आपको फंक्शन पूछेंगे प्लास्मोडेस्माटा का, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लास्मोडेस्माटा। प्लास्मोडेस्माटा एक्ट एज साइटोप्लाज्मिक ब्रिज और कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। दिस इज एवरीथिंग अबाउट सेल वॉल। कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन आपको सेल वॉल की चाहिए तो आप बहुत अच्छे से यह स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, अगर ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपको पूरा क्लियर समझ में आता है, ध्यान में आता है, तो ये वीडियो वॉच करो, बुक से रीड करो, और जो भी आपके कुछ कमेंट्स है आप कमेंट्स लिख सकते हो। इसी के साथ में साइड बाय साइड अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।